ओमिक्रॉन वायरस के बढ़ते खतरे के बीच बड़ी खबर है, प्रदेश में जारी हो सकती है नई गाइडलाइंस। प्रदेश में भी लगाया जा सकता है नाइट कर्फ्यू, शादी समेत अन्य समारोह में फिर सीमित हो सकती है मेहमानों की संख्या। आज सीएम गहलोत की बैठक के बाद नई गाइडलाइंस जारी होने की संभावना है, तो मुख्यमंत्री गहलोत आज 1 बजे सीएमआर में बैठक लेंगे, रिव्यू मीटिंग होगी और उसके बाद स्थिति की जानकारी लेने के बाद ये फैसला हो सकता है कि नाइट कर्फ्यू लग जाए। क्योंकि अन्य प्रदेशों की बात करें तो बहुत सारे ऐसे प्रदेश, कल जिस तरह से मध्य प्रदेश ने नाइट कर्फ्यू लगाया, दिल्ली में नाइट कर्फ्यू लग गया, बहुत सारी पाबंदियां जो लगाई जा रही हैं राज्यों में, उसको देखते हुए हो सकता है कि राजस्थान में भी अब नाइट कर्फ्यू लगाया जाए। हालांकि 11 से 5 के लिए पाबंदियां हैं लेकिन अब सख्ती बरती जा सकती है। शिवेंद्र हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। शिवेंद्र, क्या जानकारी है, आज हो सकता है नाइट कर्फ्यू पर कोई फैसला और किसी तरह की सख्ती भी हो सकती है? बहुत संभावना है इस बात की, क्योंकि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, कई ऐसे राज्य हैं जिन्होंने ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे के बाद कुछ पाबंदियां लगाई हैं और यूपी में तो जो पाबंदियां हैं वो इतनी बढ़ा दी है कि किसी शादी समारोह में 200 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकते हैं। तो बहुत संभावना है, क्योंकि आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एक रिव्यू बैठक ले रहे हैं, ओपन फोरम पर ये मीटिंग है जो कि लोग उसको लाइव भी देख सकते हैं यूट्यूब और अलग अलग फॉर्मेट में। तो उस बैठक के बाद ऐसी संभावना है, गृह विभाग के अधिकारियों ने इस तरह की जानकारी दी है कि उस बैठक के बाद इंस्ट्रक्शन गृह विभाग को मिलेंगे और उसके बाद वो नई गाइडलाइंस जारी कर सकते हैं। और बहुत संभव है कि प्रदेश में भी नाइट कर्फ्यू लग सकता है। जो समारोह है, चाहे वो शादी समारोह है जिनमें के सभी तरह की पाबंदियां अभी हटा दी गई थी लोगों की एंट्री को लेके, हो सकता है उसको सीमित कर दिया जाए, 200, 500, 400 कुछ नई संख्या तय कर दी जाए, इस तरह की पाबंदियां लग सकती हैं। हालांकि जो शैक्षणिक एक्टिविटीज हैं, चाहे वो स्कूल, कॉलेज, कोचिंग, उन पे अभी तक कोई संभावना नहीं है कि रोक लगेगी। लेकिन ये दो मेजर डिसीजन आज हो सकते हैं गाइडलाइंस में, एक तो कि राजस्थान में नाइट कर्फ्यू लगा दिया जाए और दूसरा कि जो इवेंट है, चाहे वो शादी हो, बर्थडे हो या और कोई भी धार्मिक कार्यक्रम हो, उनमें भी जो लोग आते हैं उनकी संख्या सीमित कर दी जाए। तो सबकी नजर है मुख्यमंत्री की बैठक पर और बैठक के बाद तय होगा कि क्या आज नई गाइडलाइंस आएगी कि नहीं, लेकिन संभावना इसकी बनी हुई है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शिवेंद्र पूरी जानकारी के लिए, क्योंकि अब जब बैठक होगी उसके बाद ये देखना होगा कि बैठक में क्या कुछ निकल कर आता है, क्या कुछ निर्णय लिया जाता है, क्योंकि बहुत सी संभावनाएं जैसे सहयोगी भी बता रहे हैं और कई राज्यों में जब कर्फ्यू है तो ऐसे में हो सकता है कि राजस्थान में भी नाइट कर्फ्यू लग जाए।